नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। वे बीमारियां जिनकी वजह से महामारियां फैलती है, पार्ट टू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा नामक एक बैसिलस की वजह से होने वाला एक रोग है, जिसे हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 वर्ष तक रहने वाला एक दीर्घकालिक रोग है। 1985 के बाद से दुनिया भर के 1.5 करोड़ लोगों को कुष्ठ रोग से ठीक किया जा चुका है। 2002 में 7,63,917 नए मामलों का पता लगाया गया था। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख लोग कुष्ठ रोग की वजह से अस्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं। 600 ईसा पूर्व के बाद लोगों पर कुष्ठ रोग का असर पड़ा। चीन, मिस्र और भारत की सभ्यताओं में इसका काफी प्रकोप था। मध्य युग में अनगिनत कुष्ठ रोगी हॉस्पिटल्स को खोला गया। एक अनुमान के मुताबिक 13वीं सदी के आरंभ में संपूर्ण यूरोप में इनकी संख्या लगभग 19,000 थी। मलेरिया। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में मलेरिया का व्यापक प्रसार है। प्रत्येक वर्ष लगभग 35 से 50 करोड़ मलेरिया के मामले देखने को मिलते हैं। मलेरिया कभी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश भागों में आम हुआ करता था, जहां अब इसके मामले नहीं मिलते। रोमन साम्राज्य के पतन में मलेरिया का हाथ भी था। इस रोग को रोमन फीवर के नाम से भी जाना जाता था। मलेरिया ने जेम्सटाउन उपनिवेश को तबाह कर दिया और दक्षिण व मध्य पश्चिम में नियमित रूप से तबाही मचाता रहा। 1830 तक यह पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच गया। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दोनों तरफ के सैनिकों में मलेरिया के 12 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। 1930 के दशक में दक्षिणी अमेरिका में मलेरिया के लाखों मामले सामने आते रहे हैं। येलो फीवर। येलो फीवर कई सारी महामारियों का एक सोर्स रहा है। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन जैसे उत्तरी शहरों पर महामारियों की मार पड़ी थी। 1793 में अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी येलो फीवर महामारियों में से एक की वजह से फिलाडेल्फिया में 5,000 लोग मारे गए थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 10% था। राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन सहित लगभग आधे लोग शहर छोड़कर चले गए थे। 19वीं सदी के दौरान स्पेन में येलो फीवर से लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। मलेरिया और येलो फीवर की वजह से पश्चिम अफ्रीका को गोरे लोगों की कब्र के नाम से पुकारा जाने लगा। ऐसे भी कई अज्ञात रोग थे जो काफी गंभीर थे, लेकिन अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। उन्हीं में से एक रोग 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में था, जिसे इंग्लिश स्वेट के नाम से जाना जाता था। इससे इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाती थी। बबूनिक प्लेग से भी ज्यादा लोग इससे डरते थे। विषाणुजनित रक्तस्रावी बुखार। विषाणुजनित रक्तस्रावी बुखार को जन्म देने वाले लासा बुखार, रिफ्ट वैली बुखार, मारबर्ग विषाणु, इबोला विषाणु, बोलिवियाई रक्तस्रावी बुखार जैसे कई कारक बहुत ही संक्रामक और घातक रोग हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सूक्ष्म जीव जिन्हें सुपर बग के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में नियंत्रित की गई कई बीमारियों के पुनरागमन में ये सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परंपरागत प्रभावी उपचार के प्रतिरोध टीबी के मामले स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल एमडीआर टीबी के लगभग 5 लाख नए मामले सामने आते हैं। भारत के बाद चीन के एमडीआर टीबी की दर सबसे अधिक है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोग एमडीआर टीबी से संक्रमित है, जिनमें से 79% मामलों में 3 या 3 से अधिक प्रतिजैविक के प्रतिरोधक है। 2005 में अमेरिका में एमडीआर टीबी के 124 मामलों की जानकारी मिली थी। 2006 में अफ्रीका में एक्सडीआर टीबी की पहचान की गई थी और बाद में 49 देशों में इसके अस्तित्व का पता चला। WHO के एक अनुमान के अनुसार हर साल एक्सडीआर टीबी के 40,000 नए मामले सामने आते हैं। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 2003 में यह चिंता सता रही थी कि सार्स नाम का यह संक्रामक रोग विषमारी का रूप धारण कर सकता है। यह एक विषाणु की वजह से होता है, जिसे सार्स कोवी नाम दिया गया। WHO जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की तेज कार्रवाई ने इसके फैलने की गति को धीमा किया और अंत में इसकी श्रृंखला को तोड़ने में मदद की। एक विश्व महामारी का रूप धारण करने से पहले ही इस महामारी का अंत कर दिया गया। इस रोग से अभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिल सका है, यह कभी भी उभर सकता है।
इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। जंगली जलीय पक्षी इन्फ्लुएंजा ए विषाणुओं की एक श्रृंखला के प्राकृतिक होस्ट है। कभी कभी इन प्रजातियों से अन्य प्रजातियों में विषाणुओं का संचरण होता है। उसके बाद घरेलू पक्षी पालन या शायद कभी कभी मनुष्यों में प्रकोप का रूप धारण कर सकता है। एवियन फ्लू H5N1। फरवरी 2004 में वियतनाम में पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु पाया गया, जिसने अलग तरह की नस्लों के विषाणु की आशंका को बढ़ा दिया। ऐसी आशंका है कि इन्फ्लुएंजा विषाणु के साथ एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु के संयोजन जिस प्रकार से नए प्रकार के एक विषाणु का निर्माण होगा, वह इंसानों के लिए बेहद संक्रामक और बेहद घातक हो सकता है। इसकी वजह से स्पेनी फ्लू की तरह का एक विश्वव्यापी इन्फ्लुएंजा विश्व महामारी या एशियाई फ्लू और हांगकांग फ्लू की तरह की कम मृत्यु दर वाली महामारियों का प्रकोप हो सकता है। अक्टूबर 2005 में तुर्की में एवियन फ्लू के मामलों की पहचान की गई। रूस, मंगोलिया और चीन में पाए गए विषाणुओं के साथ इसका एक प्रत्यक्ष संबंध है। विषाणु के संभावित मामले क्रोएशिया, बुल्गारिया और ब्रिटेन में भी मिले हैं। नवंबर 2007 तक संपूर्ण यूरोप में H5N1 नस्ल के अनगिनत मामलों की पहचान की गई। हालांकि अक्टूबर के अंत तक H5N1 के परिणाम स्वरूप केवल 59 लोगों की ही मौत हुई, जो पिछली इन्फ्लुएंजा बीमारियों का टिपिकल रूप था। 2009 इन्फ्लुएंजा ए H1N1। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 नई नस्ल के विषाणु को जन्म दिया। 1968 के बाद यह इस स्तर की पहली विश्व महामारी थी, जिससे 30,000 मामलों के सामने आने की पुष्टि हुई है। HIV और एड्स, एड्स पैंडेमिक। 1969 के आरंभ में HIV अफ्रीका से हैती और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया। HIV नामक विषाणु की वजह से एड्स होता है। यह वर्तमान में एक विश्व महामारी है, जिसका संक्रमण दर दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25% है। 2006 में अफ्रीका में गर्भवती महिलाओं में HIV संक्रमण की दर 29.1% थी। सुरक्षित यौन संबंध के बारे में प्रभावी शिक्षा और ब्लड से होने वाले संक्रमण के प्रशिक्षण से कई अफ्रीकी देशों में संक्रमण दर को धीमा करने में मदद मिली है। एशिया और अमेरिका में संक्रमण की दर में फिर से वृद्धि हो रही है। यूनाइटेड नेशन के शोधकर्ताओं के अनुसार 2025 तक भारत में एड्स से लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है, जबकि चीन में 2 करोड़ लोगों के मरने की आशंका है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में एड्स से मरने वालों का ये आंकड़ा 9 से 10 करोड़ तक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।